पूरा इंटरनेट छानबीन कर दिया पर फिर भी नहीं हुआ आपका हल। तो आपके लिए मैं जीत सिंह लेके आया हूँ बहुत धमाकेदार वीडियो। तो इसमें आपका हल भी होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बस आपको भी थोड़ा सा कष्ट करना होगा, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। फोटोशॉप में आपके एरर आता है, मैथ से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत आपको है तो मुझे याद करें, आपका हल किया जाएगा थोड़े ही दिनों में। कमेंट जरूर करें। दो दिन लगाने के बाद इस फोटोशॉप का मैंने हल किया है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूं वीडियो की ओर, समय ना खराब करते हुए वीडियो ध्यान से देखना ताकि आपको तीन तरीके जो मैं बताऊंगा वीडियो में वो तीनों तरीके आपने करने हैं, नहीं तो आपका कभी ना कभी फोटोशॉप खराब होता जाएगा, फिर आप प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे। हाँ जी दोस्तों, आपका जो फोटोशॉप है आप ओपन करते हैं, फिर कोई काम करते हैं जहाँ इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर पाते और फोटोशॉप के साथ फिर आपको दिक्कत आती है इंटरनेट यूज़ करने में। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दो तीन तरीके बताऊंगा जिससे आपको ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये वीडियो को ध्यान से देखना है और धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि हमें समझ नहीं लगा है वीडियो का और कमेंट बॉक्स गालियों से भर देते हो। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना है। मैं फ़ोटोशॉप को दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोटोशॉप मैंने आपको बताने के लिए बार बार डिलीट किया, इंस्टॉल किया, डिलीट किया, इंस्टॉल किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, फ़ोटोशॉप खोल नहीं रहा था। तो अभी मैं फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर चुका हूँ, आपको तरीका बताता हूँ। फ़ोटोशॉप को मैं इस तरह ओपन कर लूँगा, राइट क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने प्लगइन में जाकर उनके ये मैंने मार्क किया हुआ देख सकते हैं हम, कलर किया हुआ है तो ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके, इन दोनों को डिलीट कर देना है। ध्यान से डिलीट करना है, सभी कुछ डिलीट नहीं करना है, सिर्फ दो फाइल को डिलीट करना है। और आपके इस तरह करने से जो एरर आता है उसका हल हो जाएगा आपका। इस तरह इसको उसके बाद रीस्टार्ट करने के बाद ओपन कर लें और आपका हल हो जाएगा। इस तरह भी आपका हल नहीं होता है तो ये देखो एरर आ चुका है, पर एरर आने का मतलब ये नहीं कि आपको वो डिलीट नहीं करना है। उसको डिलीट करने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप और जैसे कि आपको कहीं ना कहीं नेट करते हैं, कभी ना कभी नेट पे कोई ना कोई एरर ज़रूर मिल जाता है। उसके बाद आपने ऑप्शन दबाकर आपने लाइब्रेरी में चला जाना है और इसमें आपका जो अडोब का ऐसे फोल्डर बना होता है उसको भी डिलीट कर देना है और इसको ट्रैश से भी बिल्कुल डिलीट कर देना है, ट्रैश को एम्प्टी कर देना है आपने। और ये दूसरा मेथड हो गया, इसको भी करके देख लेना है आपने। उसके बाद आप खोल के देखें आपका हल हो चुका है या नहीं हो चुका है, थोड़ा उस पर काम करें। और थोड़ा काम करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका फोटोशॉप खुल गया है या नहीं खुला है। ये तीन तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों तरीकों में आप कोई भी ऐसा नहीं है कि एक तरीका बरतना है, तीनों तरीके ही करने हैं आपने। ये देखो फिर एरर आ गया है और इसका कारण ये है कि अभी उसको नेट कहीं से कहीं फ़ोटोशॉप को मिल रहा है। अब इसको मैंने बहुत छानबीन की, बहुत ढूंढा, फिर इंस्टॉल किया, डिलीट किया, इंस्टॉल किया, ख़राब कर दिया फ़ोटोशॉप को। और ये बहुत मुश्किल हुई मुझे आपको सिखाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये देखो मैंने दोबारा उसको फ़ोटोशॉप ख़राब कर चुका हूँ। अभी इसके बाद जब बहुत ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था, एक दिन पूरा वेस्ट कर दिया था, तो मुझे लास्ट में कुछ मिला जिसमें मुझे लगा कि इंटरनेट से अडोब फ़ोटोशॉप का
लिंक नहीं हो सकता, वो था, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है, सीधा इसको डिलीट नहीं करना है, पहले वो जो मैंने फाइल बता चुकी है वो फाइलों को डिलीट करना है। सभी फाइलों डिलीट करेंगे तो ही ये काम करेगा प्रॉपर। एक फाइल ये वाली डिलीट जो है, इसको डिलीट करने से आपका प्रॉपर काम नहीं होगा। तीनों चार फाइलों को, दो फाइल वो हो गया, एक फोल्डर, उसको डिलीट करेंगे तभी आपका काम होगा। अभी हमने इस फाइल को डिलीट कर देना है प्रॉपर। तीनों फाइल करने से आपका कभी भी इंटरनेट से चलाने में दिक्कत नहीं आएगी और फोटोशॉप का कोई भी मैसेज अडोब वालों को नहीं जाएगा, आप सर्च में नहीं आएंगे और जैसे मर्जी आप बेधड़क होकर काम करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, कमाओ और खर्च करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं एक एक दिन पूरा लगाई मेहनत, इतनी मेहनत का एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, ज़रूर करें, धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं जो इसमें से अपने सभी फाइल डिलीट करना है, दो फाइल मैंने पहले कर दी थी और जो बाकी बची है उसको भी आपने डिलीट कर देना है। और ये मैंने लास्ट में इसलिए बताया है कि लास्ट में देखकर वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए जो अंदर वाली सेटिंग है वो पहले करनी है और जो बाहर वाली सेटिंग है वो बाद में करनी है, ठीक है? अच्छे से समझ लेना है, स्टार्टिंग से आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझ नहीं लगेगा। इस तरह आपकी सेटिंग आती है या नहीं आती है, अच्छी बात है। इसके बाद आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आपको दोबारा अनइंस्टॉल कर देना है सब कुछ। अनइंस्टॉल करना है का मतलब ये है कि आपको इंस्टॉल करने का तरीका सही नहीं पता था, और सही तरीका जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। अभी देखो ये मैंने सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरा कैंसिल हो गया था और मैंने दोबारा सर्च किया। आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं आपका हल करता रहूँगा। और देखो मैंने दोबारा इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने की हम सबसे बड़ी गलती क्या करते थे, हमने इंस्टॉल किया, क्रैक को इंस्टॉल किया और इंस्टॉल हो जाता था और उसको ओपन करते थे तो एरर आता था। अब एरर नहीं आएगा क्योंकि आपको मैं बढ़िया तरीका बताऊंगा। तो कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले सेटिंग बताई है वो भी आपको सेटिंग कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके पास ये ऑप्शन हो या नहीं हो। अभी आपने जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। यहाँ आपको एक फोल्डर मिलेगा, ये फोल्डर इंस्टॉलेशन फोल्डर के जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही मिलेगा। आपके पास नहीं है तो आपको कमेंट करना है, मैं आपको फेसबुक आईडी दूंगा, क्योंकि कमेंट अब यूट्यूब के नीचे कोई लिंक नहीं दिया जाता और यूट्यूब उसको उड़ा देता है। आपको ये मैं फोल्डर डॉक्यूमेंट में या कुछ तरीके से फेसबुक के ज़रिए दे दूंगा और इसको आपने यहाँ पेस्ट कर देना है, रिप्लेस करना है। पहले वहाँ फोल्डर था, देखो उसके ऊपर ही रिप्लेस हो गया है, तो इस तरह हमारा ये बन गया है। तो अभी आप फोटोशॉप यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग जो नेट की है, जैसे नेट को हमारा ऑनलाइन अडोब फोटोशॉप का पता लग जाता है कि हम फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, उसको मैंने जितनी भी अलाउ थी सेटिंग और उसको बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा सेटिंग थी, मैंने इसमें दिखाया हुआ है आपको कितनी सेटिंग मैंने अपने इसमें बंद की है और किस तरह बंद करनी है वो भी मैंने दिखाया है। देखो
Adobe की जो सेटिंग है, जहाँ Adobe लिखा हुआ है सभी सेटिंग मैंने वो बंद कर दी थी। तो ऐसी काफ़ी सेटिंग थी जिसके कारण हमारा फोटोशॉप का पता एरर आ जाता था चलाने के बाद। और बहुत कुछ करने के बाद भी दो चार दिन के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। तो आपको भी ये मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और मैं जैसे जैसे कंटिन्यू करता रहूँगा अपनी अपडेट सेटिंग को, तो आपको भी वो सेटिंग बताता जाऊँगा, उसके हिसाब से आपने भी चलना है। आपको ओएस कैसे करना है सभी सेटिंग में आपको इस वीडियो की जरा, इस चैनल की जरा आपको एप्पल की कोई भी, एप्पल मैक की कोई भी सेटिंग्स आपको दिक्कत आती है तो हम मैं बताऊंगा। तो देखो मैंने जो फ्लैश की सेटिंग थी वो भी ऑफ कर दिया है, तो उसमें Adobe को ऑटोमेटिक अपडेट ऑप्शन दिया हुआ था। तो उसके बाद मैंने आपको ये सेटिंग बताया है कि जहाँ से अपने जाना है फोटोशॉप में, इस तरह आपने करना है, जहाँ से आपने नेट को पहले ऑफ कर देना है। जैसे आपने नेट को ऑफ किया तो उसके बाद आप फोटोशॉप खोल लेना है अपने। फोटोशॉप खोलने के बाद आपने जाना है अपनी यहाँ से ऊपर फोटोशॉप में सेटिंग से जनरल में, इसको कमांड के से सीधा भी खोल सकते हैं आप, जैसे आप कमांड की दबाते हैं तो सीधा खुल गया है देखो। तो इसको खोलने के बाद आपने जहाँ से स्विच बटन है इसको रीसेट कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद आप अपना नेट इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोशॉप में, जिस आप काम करें। जब आपने फोटोशॉप खोलना है, नेट आपका ऑन नहीं होना चाहिए, ये रीसेट करने के बाद ही आपने ऑन करना है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं। नमस्कार।